अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगी कि सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। सो आज है शादी व्लॉग का पार्ट टू। सो वीडियो को हम कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है, फूफो के घर रह रहे थे, शादी में गए थे, लेकिन एक्चुअली हम बारात जो है वो अटेंड नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा कि अब हम वलीमे में जाएंगे, तो आज वलीमा है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फूफो के घर खेल रहे थे अपने कज़न के बेटे के साथ। सो यहाँ पे जी लाइट जो है वो चली गई और हमें कपड़े वगैरह पहले प्रेस नहीं किए, बिकॉज आपको पता है पैकिंग में कपड़े जितने मर्जी प्रेस हों वो नहीं हो सकते। तो फिर इस तरह जुगाड़ किया, देन जी हम हॉल में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री हम सबसे पहले कर चुके हैं, कोई भी नहीं आया। लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि जी हम यहाँ पे अच्छे से पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह क्लिक कर सकते हैं। सो ये था मेरा आउटफिट और ये मेरा लुक था जो कम्प्लीटली मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत अमेजिंग था, सब ने बहुत तारीफ की और उसके बड़े ही साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे नज़र आए। खैर एनीवे, उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद जी हम जा रहे हैं खाला के घर। सो उनका गाँव जो है वो थोड़ा दूर है, सो इस वजह से हमने सोचा है कि पहले पेट्रोल वगैरह सारा कुछ डलवा लें, क्योंकि अगर दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 4-5 बजे का टाइम है और सनसेट आप देख सकते हैं, इतना प्यारा था माशाल्लाह, इतना हसीन लग रहा था, इतना सुकून वाला माहौल था। लाइक एक तरफ नहर है, दरख्त हैं और इस तरह से। फिर हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए खाला वगैरह के लिए। उसके बाद जी ये देखें, ये मेरा सबसे फेवरेट मंजर था। इंशाल्लाह अगर दोबारा हम वापसी में रुके ना, फिर आपको दिखाऊंगी। सो जाते वक्त दिखाऊंगी। सो हम घर पहुँच चुके हैं खाला के और काफ़ी टायर्ड हैं, बिकॉज शादी में गए, वलीमे में गए, और देन मैंने कहा चले आपको थोड़ा जो है अपडेट दे दूँ और आपको अपना मेकअप वगैरह दिखा दूँ। सो यहाँ पे बोरियत के साथ साथ घूमते फिर रहे, कभी इधर कभी इधर। फिर हम खाला के जो जानवर वाली साइड है उस तरफ गए जहाँ पे उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। सो यहाँ पे खरगोश थे, इतने क्यूट, इतने प्यारे, लेकिन जितना मैं पास जा रही थी वो इतना ही दूर जा रहे थे। सो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जानवर रखे हुए थे और बहुत ज़्यादा, अभी आगे भी दिखाऊंगी। सो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह में, पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई, इवन कि रात को लेट सोए थे फिर भी जल्दी उठ गई हूँ। सो यहाँ पे मामा जो है ना पूरे गाँव वाले माहौल का वो क्या कहते हैं इंजॉय कर रही हैं, बड़ा मज़ा ले रही हैं, और मैं आपको करीब जाके फिर दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने अभी तक फेस वगैरह वॉश नहीं किया, वैसे कैमरा पकड़ लिया है कि लाइक दिखाती हूँ आपको। सो ये देखें, मामा सीरियसली ईच एंड एवरीथिंग को इतना इंजॉय कर रही थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। सो उन्हें इतना मज़ा आ रहा था, लाइक उनके फेस एक्सप्रेशन, फेस से पता चल रहा था कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, और वो इतना प्राउड कर रही थी, क्योंकि वो जब शादी से पहले था, लाइक हमारे यहाँ आने से पहले उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, गांव में रहते थे, शादी भी गांव में हुई, ननियाल भी गांव में था, तो ऑब्वियसली ये सब करना पड़ता है वहाँ पे। सो उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं और अब काफ़ी टाइम के बाद ये सब करना दोबारा से, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, उनके फेस से मुझे जो खुशी जाहिर मतलब दिख रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को जानवर दिखाती हूँ जो खाला वगैरह के अपने हैं। सो यहाँ पर ये एक छोटा सा गाय का बच्चा था, मैं इसे देख रही थी, कैमरा इसकी तरफ कर रही थी और ये भी मेरी तरफ उसी तरह से देख रहा था। सो यहाँ पर धूप थोड़ी निकल आई है और सर्दी है यहाँ पर, आपको जैसे पता है मैंने हुड पहना। सो यहाँ पे मैं थोड़ी धूप ले रही थी, इसके साथ साथ मैं आपको और भी अच्छी अमेजिंग चीज़ें दिखाती हूँ जिसे मेरी मामा बहुत इंजॉय कर रही थी। सो यहाँ पे रोटियाँ बना रहे थे, तो ये इतना बड़ा तवा है जिसे पंजाबी में तवी बोलते हैं। सो यहाँ पे मामा इस चीज़ को भी बड़ा इंजॉय कर रही थी, सीरियसली कसम से मैं मतलब उन्हें देख के ना मुझे खुशी हो रही थी कि वो माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी। सो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आप इस पे 2-3 रोटियाँ एकदम में बना लेते हो। सो उसके बाद ही भाई ने कहा मछली, क्योंकि हम रात को आए थे तो हमने कहा हमें खाना नहीं खाना ये वो, तो फिर उन्होंने सुबह दोपहर में ही मछली बनवा ली, जो कि हमने फिर भी नहीं खाई क्योंकि हमने नाश्ता पहले कर लिया था। तो इसके बाद जी उन्होंने ये आलू वगैरह यहाँ पे लगाए हुए थे, इतनी ग्रीनरी, इतना सुकून था, और वो जो शॉपर से ढका हुआ है वो मिर्चें लगी हुई हैं उनकी। सो यहाँ पे इतना प्यारा था ये सारा कुछ, लाइक सुकून वाला माहौल था। सो अब खाला वगैरह के घर से वापस जा रहे हैं फूफो वगैरह के गांव में, क्योंकि वहाँ पे आप ही हैं तो उनके घर पे भी अभी हमें रुकना है। सो आपको जैसे मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे रुकूंगी तो फिर आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। यार ये लहरें जो चल रही थी, यार कसम से इतना अमेजिंग सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इवन के 5-10 मिनट खड़े हुए, लेकिन दिल कर रहा था कि और ज़्यादा खड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम खड़े मतलब नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा लेट हो रहे थे तो इस वजह से फिर हम वहाँ बस थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन जितनी देर के लिए भी रुके बहुत मज़ा आया। आप ये देख सकते हैं इतना प्यारा जो सीन है, नज़ारा है, वो
कौन नहीं इंजॉय करना चाहेगा। सो ये है पार्क जो जहाँ पे हम बचपन में अपने वालिद के साथ, अपने अब्बा के साथ, अपने अब्बू के साथ आते थे। और ये जो एरोप्लेन है, ये उकाड़ा का मेन जो सिटी के ग्राउंड होता है ना, वो वहाँ पे है। सो जी हम आ चुके हैं, ये डेयरी फार्म है और मेरे चाचू जो हैं वो सबसे छोटे चाचू हैं और वो यहाँ पे रहते हैं, डेयरी फार्म में काम करते हैं, तो फिर वहीं पे रहते हैं, उनकी एक गवर्नमेंट जॉब है ये। सो यहाँ के जानवर, मैं चाहती थी कि मैं अंदर जाके दिखाऊँ, बट आई थिंक अलाउ नहीं है आपको इस तरह से उनकी चीज़ों को यूँ करना। सो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। हम फर्स्ट टाइम आई थिंक आ रहे हैं, बिकॉज हमें उनके घर का भी नहीं पता, आई डोंट नो क्यों। तो फिर हमने घर ढूंढा और हम आ चुके हैं, मिल लिए, बल्कि इवन के हम अब वापस भी जाने वाले हैं। सो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, अपडेट कर दूँ। और अब हम किसके घर जाने वाले, ज़रा गेस करिए। सो येस ऑफकोर्स ऑब्वियसली हम अपनी आपी के घर आए हैं, अपनी बहन, अपनी सिस्टर के घर। और वो उनको देख के जो मतलब फील हुआ ना यार, फैंटेस्टिक, लाइक वो इतना खुश हो रही थी हमारे आने से। सो पहले जो बेचारी दाल वगैरह बना रहे थे उनके घर वाले, फिर उसने कहा कि हम आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने खाना वाना अलग से बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने मना भी किया, लेकिन फिर आपको एक फैंटेस्टिक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए यार, उन्होंने ऐसे हिलाया और लिटरली उनका नेम का जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा था। सो उसके बाद जी वो इमली को पानी में घोल के रख रही थी। सो इमली को देख के किसके मुंह में पानी नहीं आता, आप बताइए ज़रा। सो यहाँ पे उन्होंने खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको रेसिपी वगैरह नहीं देने वाली इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे मैं इंजॉय करने के लिए आई थी। और लिटरली हम और आपी, जब हम दोनों बहनें मिलती हैं तो सीरियसली आपी खाना वाना बनाती है और साथ साथ हमारी बातें चल रही होती हैं, ये वो, लाइक इतना मज़ा आता है। हमने इतनी गॉसिप्स की। भाई हमारे आके पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है। सो हमने कहा कि बस हम ऐसे ही करते हैं। मैं हमेशा आके उनके स्लैब जो होती है वहाँ बैठ जाती थी और इस तरह से वो खाने बनाती थी, घर में भी जब मामू के घर होती थी तब की बात कर रही हूँ। सो अब भी यही सीन हुआ, लाइक वो खाना बना रही हूँ, मैं स्लैब पे मतलब वहाँ पे बैठ गई और देन फिर हमने बातें करना स्टार्ट कर दी। फिर हमने इतनी बातें की, गॉसिप्स की, लाइक अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। इस तरह से वो खाने बनाती रही, हम बातें करते रहे और फिर मैं बोर हो रही थी तो आपी ने भाई से मोबाइल लेके दिया, उनका वाईफाई जो है डाटा मुझसे शेयर किया, हॉटस्पॉट दिया, और देन जी हम फिर बातें करने में, मुझे उसे भी यूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैं आपी के पास आई और फिर हम बातें करने लग गए। और यू नो हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को इतना इंजॉय करते हैं ना यार, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो अपनी हर एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मतलब एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट है कि वो मुझे अपनी हर बात शेयर करती हैं। सो खाना जो है रेडी हो चुका है, अब हम खाना खाएँगे। एंड या यू कैन सी उन्होंने पुलाव बनाया था, बिरयानी टाइप पुलाव बनाया था, चिकन डाल के ना, यू नो। सो उसके बाद जी उसने कहा चल अब मेरा काम कर। सो अब उनका डिवाइडर जो है, बर्तन वाला शोकेस जो होता है, वो सेट कर रही हूँ, या मामा मुझे बता रही थी और मैं कर रही थी। और ये उनका जो लैम्प था ना, आयत कुरानी वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो बहुत ही प्यारा, इस तरह से ये गुजरा हमारा दिन। एंड जी नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम फसलों में जाते हैं, हम वीडियो टिकटॉक्स भाई वगैरह ने बनानी थी और मुझे भी कुछ कंटेंट क्रिएट करना था, पिक्चर्स वगैरह नहीं थी। सो हम यहाँ पे आ गए, ये सरसों के फूल जो कि सर्दियों में आई थिंक ज़्यादा होते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, आप देख सकते हैं फुल नज़ारा कितना प्यारा लग रहा था। सो अब हम जा रहे हैं घर, सो वापसी लाहौर जा रहे हैं। सो ये कह रहा था हमने भी आपके साथ ही जाना है, सो हमने कहा चलो, लेकिन उसके कुछ 5 मिनट बाद वो कह रहे मुझे घर छोड़ गया, और फिर हम उसे छोड़ गया है। एंड नाउ अब हम जा रहे हैं लाहौर। सो बाय बाय उकाड़ा वालों, अब देखो कब चक्कर लगता है। सो काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। सो मैंने काफ़ी एक्नी भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, लाइक मेरा फेस जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, पता नहीं मेकअप वगैरह की वजह से, किस वजह से, बट हो रहा है। खैर अब देखते हैं घर जाके क्या बनता है। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे बस का, हम बाईपास पे ही मतलब बस लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो बस होती है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा गांव से। सो यहीं पे बस का वेट कर रहे थे, बस मिल गई है और अब हम भाई को बाय बाय कर रहे हैं। आपी भी हमारे साथ आ गई हैं, क्योंकि आपी को एक वीक के बाद हमें लेके जाना था शादी के बाद, सो इसलिए हम आपी को भी साथ लेके जा रहे हैं। आई थिंक भाई का दिल नहीं कर रहा था कि हम जाएँ। सो यहाँ पे नौजवीला एक एक्सीडेंट हो गया था जो बहुत बुरा था, बहुत से लोग इकट्ठे थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बस अल्लाह करे जो भी हुआ बस अल्लाह ताला उन्हें ठीक ही रखे। सो हम लाहौर जो है वो पहुंच चुके हैं एंड या हम घर भी पहुंच चुके हैं। सो मैं पैकिंग कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह। लोग अच्छा है तो लाइक ज़रूर करिएगा।